विजय यादव, यू आर अपियरिंग फॉर विच इंटरव्यू ऑन विच डेट एंड इन विच प्लेस? आई एम अपेयरिंग फॉर जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्किल टू ऑन 8 नवंबर इन लखनऊ. इन आईबीपीएस। यस आईबीपीएस. अच्छा, गुड गुड गुड, वेरी गुड। विजय यादव, विजय यादव, आपका बारे में बता दीजिए। सर आई एम विजय यादव. कंप्यूटर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एंड आई बिलोंग टू झांसी. और आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2018 एंड आई ज्वाइंड बड़ौदा यूपी बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर इन जून 2020 एंड आई एम वर्किंग हेयर. और एंड बेसिकली आई राइट नाउ आई एम वर्किंग इन मऊ डिस्ट्रिक्ट. ब्रांच नेम इज भोजापुर एंड दैट्स इट. आपका बहुत साउंड प्रॉब्लम होता है, आप थोड़ा अच्छा बाहर आ जाओ, घर का बाहर में हो जहाँ अच्छा आपको सिग्नल अच्छा मिलेगा। आप ओके फोन सर. को, फोन को आपका माउथ का पास में रख के आप जोर से बोलो। अच्छा सर, नाउ ऑडियो इज फाइन और नॉट? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा सर, ठीक अच्छा जी, जी. आपने और कुछ भी बोल सकते हैं आपका बारे में, आपने बोलना है। हम तो ये साल, इतना साल में हमारा डिग्री कंप्लीट किया है। विच डिग्री डिड यू स्टडी? सर आई डिड बीकॉम बैचलर इन अच्छा कॉमर्स. अच्छा विच ईयर डिड यू कंप्लीट इट आई कंप्लीटेड इन 2018. एंड यू जॉइंड इन 2020 एज ऑफिसर, करेक्ट? आई ज्वाइन इन 2021. ट्वेंटी यस सर. वन एज एन ऑफिसर, वेरी गुड, यस सर. दैट्स राइट। हैव यू स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर JEE IAB? यस सर. आई ट्राइड. आई गेव एग्जाम वंस बट आई डिडंट क्वालिफाइड. एक्चुअली माई वन पेपर इज दे मतलब आई पास्ट वन एग्जाम ओनली आउट ऑफ 4, तो 3 आर अच्छा, स्टिल अरे पेंडिंग. बाबा, विच पेपर यू पास? दैट आई ओनली पास्ट पीपीवी. इज प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। यस सर. प्रैक्टिस व्हाई डिड यू इज माय नॉट पास कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बेसिक क्वेश्चंस? हाँ, यस सर. आई आई थिंक इट वाज यस सर. इट वाज आई फेल्ट इट वाज टफ एंड आई कुडंट. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप तो अभी कुछ ग्रामीण बैंक में काम करते हैं, क्या ग्रामीण बैंक है? बड़ौदा यूपी बैंक है. यस अच्छा, इट्स इन उत्तर प्रदेश। यस सर. स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा. हाँ जी, आपका बैंक का पोजीशन का बारे में कुछ बता दीजिए। सर बैंक का पोजीशन या ब्रांच का पोजीशन? पहले बैंक का पोजीशन बोलिए, बाद में ब्रांच का पोजीशन पूछेगा। अच्छा एक्चुअली सर आई बैंक बैंक का पोजीशन का मतलब है जी. दी MD एंड सॉरी चेयरमैन नेम एंड ऑल्सो अच्छा हाउ मेनी ब्रांचेस, हाउ मेनी टोटल डिपॉजिट्स, टोटल एडवांसेस, प्रॉफिट कितना है, बस ये बोलने से चल जाएगा। एक्चुअली सर मैंने मतलब आई डिडंट सी रिवाइज सी यू एंड प्रॉपर. यू डिडंट रिवाइज अबाउट इट, प्लीज रिवाइज कर लीजिए। आपका यस सर. बैंक, दीज आर द थिंग्स यू शुड नो, यस लाइक सर. आई लाइक नोटेड इट सर. या टोटल डिपॉजिट्स, टोटल एडवांसेस, टोटल प्रॉफिट, देन यस व्हाट आर सर. GNPA, NNPA एंड बस इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओके सर. ओके. रिगार्डिंग देन रिगार्डिंग ब्रांच क्या बोलेंगे आप, बताइए हमको। ब्रांच बेसिकली आई एम वर्किंग भोजापुर ब्रांच विच इज इन रूरल डिस्ट्रिक्ट. इट्स अ 70 करोड़. इट्स अ 70 करोड़ ऑफ बिजनेस विथ 46 करोड़ ऑफ डिपॉजिट एंड 23 करोड़ ऑफ एडवांस. एनपी ऑफ माई ब्रांच इज अराउंड 4.5 करोड़ विच इज अ बहुत लिटिल बिट हाईर. एंड एंड आई है। वी यस सर. इट्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? विच मैनेजर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कब से ऐसा मपी है ये इतना रुपया? सर इट्स मेनली बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज बिफोर कोविड डिपॉजिट इंक्रीज सडनली ऑफ माई ब्रांच. सो दैट टाइम मैनेजर गेव टू मच लोन विदाउट प्रॉपर बैकग्राउंड चेक. एंड सो आफ्टर दैट सर आफ्टर कोविड व्हेन द व्हेन मॉरिटोरियम पीरियड एंडेड मतलब एनपीए स्टार्ट इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली अच्छा, एंड इट्स स्टिल इंक्रीजिंग. या एंड वेर इज दैट मैनेजर नाउ? दैट मैनेजर सफर्ड ब्रेन हेमरेज सो ही इज ऑन मेडिकल लीव कंटिन्यूअसली सर.
ही इज ऑन मेडिकल. अच्छा, यस सर, यस, ही हैज बीन पोस्टेड टू सम अदर ब्रांच. या सर, ये पोस्टेड सब आपका ब्रांच का मैनेजर स्केल 1 और स्केल 2? सर, स्केल 2 है। अच्छा ठीक है. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्केल 2 ऑफिसर और मैनेजर ऑफ RRB? मेनली बेसिकली द ऑल इफ ही पोस्टेड एज अ ब्रांच मैनेजर, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रांच इज होल्ड ऑन टू हिम, एंड फ्रॉम डूइंग द सॉरी सर। हिंदी में बोलिए ना. अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ तो स्किल टू मैनेजर की मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो मैनेजर हैं उनकी ब्रांच से रिलेटेड महत्वपूर्ण सारे कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, फ्रॉम द डिपॉजिट टू द कोऑर्डिनेशन विद ऑल द स्टाफ एंड मेकिंग श्योर की चीज़ें अच्छे से फॉलो अप हो, ब्रांच अच्छे से चले, ऑल्सो रिपोर्टिंग टू द हायर अथॉरिटी इफ एनीथिंग इफेक्टिंग ब्रांच एंड कंटिन्यूस बिजनेस ग्रोथ ऑफ द ब्रांच इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आपका ब्रांच में कितना आदमी है? 3 स्टाफ, वन क्लरिकल स्टाफ, वन यू आर देयर एंड अनदर पर्सन. बस यस सर, यस सर, सब स्टाफ का क्या करते हैं? सब स्टाफ डेली सर, डेली डेली वेजेस. वेजेस, डेली वेजेस, यस सर। अच्छा, ये क्यों इस समय पे डेली वेजेस को रखा है? क्यों ऑफ सर नो आपका यूनियन में ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं? सर, देन हाँ, आई विल हमने सुना है हर RRB में ओनली प्राइवेट, आई मीन डेली वेजेस पीपल को रखा है, करेक्ट? यस सर, इट्स क्वाइट, यस सर, बहुत कॉमन है यहाँ पे, मतलब ऑल ऑल ऑलमोस्ट ऑल सारी ब्रांचों पे यही सर। कितना सैलरी देते हैं उनको डेली? पर डे का 504 रुपये, रुपीज पर डे के हिसाब से। अच्छा, 504 व्हाट एवर इस पर करंट सैलरी, उसको डिवाइड करके देते हैं, करेक्ट? यस सर, वेरी गुड. एंड या व्हाट इज दी योर बैंक नॉर्मली इज अ प्रॉफिट मेकिंग बैंक और लॉस मेकिंग बैंक? सुना है प्रॉफिट यस सर, इट्स अ प्रॉफिट बैंक। मेकिंग बैंक, राइट? अच्छा जी, आपका अभी ब्रांच में अभी तक क्या बढ़िया काम किया है आपने, इसको बता दीजिए. अब सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा अलग था आई एम आस्किंग, इन जी योर सर। प्रेजेंट सर्विस एज स्केल 1 ऑफिसर, अभी यस सर जी, तक आपने क्या अचीवमेंट किया है, क्या बढ़िया काम किया है? ओके सर, तो बेसिकली मेन अचीवमेंट जो हमारा मतलब हमारी ब्रांच का जब से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, एक तो पॉजिटिव एडवांस ग्रोथ है, कंटिन्यूअसली एनपीओ होने के बावजूद हम लोगों ने कंटिन्यूअस एडवांस ग्रोथ किया है और एनपीओ को कम किया है। लाइक मार्च 2023 में बैंक का मतलब ब्रांच का एनपीए 4.70 करोड़ हो गया था, जो हम लोग सितंबर में कम करके 35 लाख कम करके 4.35 लाख तक लेके आए, पर सितंबर में दोबारा कुछ ग्रामीण आवास एनपी होने की वजह से वो 4.50 करोड़ तक पहुंच गया। तो उस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, एडवांस के साथ कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहे हैं, साथ ही साथ डिपॉजिट में भी पर एनम का 2 to 2.5 करोड़ का ग्रोथ मेंटेन किया हुआ है। सो डू यू गिव ज्वेल लोन? ऑफिस ज्वेल लोन देते हैं? नो सर, गोल्ड गोल्ड नो सर, लोन? गोल्ड गोल्ड लोन इज नॉट, वैसे गोल्ड लोन की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। क्यों आपका बैंक पूरा बैंक में नहीं है और आपका ब्रांच में नहीं है? नहीं सर, अभी तक बैंक में नहीं था, पर बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ ब्रांचों में ट्राई करने का सोचा है, क्योंकि एक्चुअली रूरल ब्रांचें हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से भी अभी तक अवेलेबल नहीं था, पर अब धीरे धीरे बैंक उसको लाने वाला है। तो स्टार्टिंग में लगभग 35 ब्रांचों में पूरे बैंक की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचों में ये फैसिलिटी चालू की गई थी पायलट प्रोजेक्ट की तरह, और उम्मीद है कि अगले साल से गोल्ड लोन भी उपलब्ध होगा बैंक में। जरूर गोल्ड लोन चाहिए, बिना गोल्ड लोन फार्मर्स कैसे करेगा? रूरल एरिया में जिनको पैसा जल्दी चाहिए उसको तो गोल्ड लोन ही लेने पड़ता है, नहीं होने से तो वो तो दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक को जाके लेना पड़ेगा, और नहीं होने से यस लोकल मारवाड़ी को देके ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जी सर, एग्री, सही बात है। या गुड, वेरी गुड. सो नाउ व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ? आपने शादी हो गई आपका? क्या नो सर, आई उम्र एम है? सिंगल सर, 25।
ओनली यस सर, बच्चा 25? ओहो यस सर, ठीक है, गुड गुड। आप अच्छा से सी ए बी जे ए बी ये सब पास कर लो, जी सर, सर्टिफाइड क्रेडिट पोर्टफोलियो वो भी पास कर लो, तब जी तो सर, बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी जी सर, गुड। आप क्यों उधर से इधर आना चाहते हैं? आपको तो स्केल टू आपका बैंक के अंदर ही होना चाहिए। कितना समय इस लगेगा उसका? उसके लिए सर मिनिमम 5 ईयर लगेगा जीआईबी सीआईबी करने के बाद, वरना 6 to 7 ईयर नॉर्मल, तो वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है ऐसा मुझे फील होता है। आई एम ट्राइंग फ्रॉम द ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। वैसमपि केस में हम क्यों आपको देना है बताओ? व्हाई शुड आई गिव यू? बिकॉज सर आई आई लर्न अलॉट इन लास्ट 2 ईयर, मैंने 2 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, और मुझे ऐसा फील होता है कि यंगर एनर्जी के साथ मैं चीज़ों को और अच्छे से ग्रोथ कर सकता हूँ। और एज अ मैनेजर ब्रांच, जिस भी ब्रांच पे मैं एज अ मैनेजर पोस्टेड पोस्टेड रहूँगा, उस ब्रांच की ग्रोथ में अपना पॉजिटिव योगदान दे सकता हूँ। और बाकी यस सर यही है। हाउ विल यू इंक्रीज द बिजनेस ऑफ योर ब्रांच सपोजिंग यू आर पोस्टेड एज ब्रांच मैनेजर? सर फर्स्ट सबसे पहले तो मैं सर ये पता कर, मतलब जो भी वहाँ के मार्केट, अगर जैसे मैं जिस भी ब्रांच में पोस्टेड हूँ, आसपास के मार्केट के लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगा कि वहाँ के, मतलब ये ब्रांच अब बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड ब्रांच है और बहुत ही कस्टमर ओरिएंटेड ब्रांच है। और ब्रांच का पहला उद्देश्य ही प्रॉफिट कम कस्टमर को प्रॉफिट देना है, तो इसलिए मैं वहाँ के मार्केट को टारगेट करूँगा। वो व्यक्ति जो जितने भी बिजनेस करते हैं लोग, उन्हें अधिकतम से अधिकतम सुविधाएं प्रदान करके उन्हें अपने ब्रांच में लेके आऊंगा। बड़े लोनों के लिए मैं अपने RO HO ZO में संपर्क करके उन्हें बड़े बिजनेसमैन को अच्छे लोन, अच्छे ऋण, मतलब अच्छे ब्याज दरों पर उपलब्ध कराऊंगा। और डिपॉजिट के लिए मेनली उन्हें और हाउसवाइफ्स वगैरह को जो बेसिक सेविंग करती हैं उन्हें जोड़ के, ताकि उनसे भी ब्रांच का डिपॉजिट इंक्रीज हो हाउ उन्हें मेनी अपने। बैंक हाउ मेनी बैंक करेस्पॉन्डेंट्स आर देयर इन योर ब्रांच? इट्स 8 8 पीपल आर देयर? ओ गुड। यस सर, वो लोग अच्छा काम करते हैं? यस सर, दे आर डूइंग, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में भी वो काफी अच्छा काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अच्छा, और क्या बाकी। मिनी एटीएम लेके जा रहे हैं? यस सर, वो लोग क्या क्या सर्विसेस देते हैं? सर वो मेन, मतलब जो बैंक की तरफ बेसिक सर्विस तो डिपॉजिट डिपॉजिट करना, मतलब ट्रांजेक्शन करना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अकाउंट ओपनिंग, ATM देना, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके अलावा बैंक के साथ भी वो NPA रिकवरी में, एडवांस बढ़ाने में, एडवांस के नए टारगेट बताने में, नए कस्टमर जो और जोड़े जा सकते हैं उनमें भी मदद करते हैं। व्हाट इज श्री अन्ना स्कीम? आई डोंट नो अबाउट इट, सॉरी सर। श्री अन्ना स्कीम कुछ दे हैव आस्क्ड यस्टरडे इन वन इंटरव्यू। सॉरी सर बट आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ, बट आई विल रीड अबाउट इट। श्री अन्ना स्कीम अंडर यूनियन बजट 2023 पीएम इनॉग्रेट्स ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस। स्मॉल फार्मर्स विल बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम श्री अन्ना। स्मॉल फार्मर्स विल बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम श्री अन्ना। दिस इज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 4 डे लॉन्ग उत्तराखंड श्री यस अन्ना श्री अन्ना मिलेट्स फेस्टिवल टुक प्लेस इन देहरादून इन मई अंडर द चीफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर या सो इसका बारे में आप पढ़ लीजिए। आई एम जस्ट जी सर, गिविंग द लिंक इन आवर टेलीग्राम पेज। जस्ट अ मिनट। ओके सर, श्री अन्ना स्कीम गुड, इसको पढ़ लीजिए। व्हाट जी सर। इज अ लीड व्हाट डू यू नो अबाउट लीड बैंक स्कीम?
पे। डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड एसबीआई? सर आरआरबी इज मेनली फोकस्ड ऑन रूरल बैंक, वेयर इज एसबीआई मेनली। आरआरबी इज राइट नाउ आरआरबी सिर्फ एक स्टेट के अंदर अपना वर्क करते हैं, जबकि एसबीआई जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे एक बैंक है, और एसबीआई के पास उसकी खुद ओनरशिप है, जबकि आरआरबी की ओनरशिप स्पॉन्सर्ड बैंक सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड रहती है, मेन है ये है। बाकी और एसबीआई एज यू ऑल नो ऑल इंडिया लेवल पे फंक्शन करती है, जबकि आरआरबी इस समय कई राज्यों में एक राज्य के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क करती है। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? वॉट आर दी मेन रीजन्स फॉर डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹2,000 नोट? डीमोनेटाइजेशन एक्सप्लेन अबाउट डीबीटी. वॉट इज डीबीटी? डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम, वेयर गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव देती है गरीब लोगों को वो डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट लाइक पीएम। बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. यस सर। एनपीसीआई का एक्सपेंशन क्या है? नेशनल सॉरी सर आई कैंट रिकॉल इट राइट नाउ। व्हाट इज स्विफ्ट? SWIFT. अच्छा जी, आप बोलिए अभी. वर्ल्ड कप क्रिकेट का बारे में आपको क्या जानते हैं? वर्ल्ड कप क्रिकेट मतलब इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट होस्टेड बाय इंडिया दिस ईयर, एंड इट्स राइट राइट नाउ इट्स गोइंग ऑन एंड द फाइनल इज ऑन 19 नवंबर इन अहमदाबाद। राइट नाउ द लीग मैच इज आज गोइंग। आज का मैच में क्या हो रहा है, कुछ देखा? यस सर इंडिया वॉन। इंडिया विन हो गया. अच्छा, यस सर यस सर वो लोग कितने में आउट हुआ? दे आउट ऑन 83 रन। बस, यस सर करेक्ट. गुड इंडिया। गुड 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 गुड, बढ़िया. गुड, यू आर अप टू डेट. गुड. नेपाल में क्या हुआ जी? सर नेपाल में अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया था। गुड. यस इसराइल में क्या होता है? तो इजराइल और फिलिस्तीन गाजा के बीच एक पुराना पुरानी विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से अभी नए तरीके से दोनों के बीच युद्ध चालू हुआ है, जिसमें एक तरफ हमास टेररिस्ट ग्रुप है, दूसरी तरफ इजराइल गवर्नमेंट है। क्योंकि हमास गाजा के इलाकों में प्रभावी है, तो इजराइल ने अटैक किया है हमास को खत्म करने के लिए गाजा के ऊपर, गुड. और ये उनका मतलब विजय कैसे। तो यादव, व्हाट इज योर फादर? माई फादर इज रिटायर्ड बीएसएनएल एम्प्लॉय, ही टुक वीआरएस इन 2020। व्हाट ही वर्क्ड वेयर? ही वाज वर्किंग वेयर? ही वाज वर्किंग इन बीएसएनएल सर भारत संचार निगम लिमिटेड। या बीएसएनएल तो सब कुछ वीआरएस दे दिया. करेक्ट, यस सर। वेरी गुड. बेस्ट विशेस. मम्मी क्या करते हैं? सर मम्मी इज हाउस वाइफ वेरी गुड. हाउस मेकर। सर हाउ मेनी सिब्लिंग्स यू हैव? आई हैव टू सिबलिंग्स, वन एल्डर ब्रदर एंड वन यंगर सिस्टर। अच्छा जी, ये प्रमोशन आपको क्यों चाहिए? तो आपको प्रमोशन कर दिया तो आपको डालेगा तमिलनाडु ग्रामा बैंक में. आप क्या करेंगे उधर से? इधर इतना दूर आके क्या करेगा, बताओ. सर बिकॉज ऑफ दैट सर मैंने मतलब मेनली जो प्रेफरेंस दिए हैं वो मैंने दिए हैं उन राज्यों के जहाँ पे हिंदी इज अ फर्स्ट लैंग्वेज, बिकॉज आई नो कि लैंग्वेज बैरियर रहता है आरआरबी में, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस पे वो सारे बैंक दिए हैं जहाँ पे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है। और बाकी मुझे लगता है कि मैं बैंक के ग्रोथ में योगदान दे सकता हूँ प्रमोशन के बाद, इसलिए मैंने प्रमोशन के लिए गुड, अप्लाई किया है। वेरी गुड. आप कट ऑफ का ज्यादा कितना मार्क होगा आपका रिटन टेस्ट में? आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 32-35 अबव कट ऑफ। रियली तब तो बढ़िया है. इफ ओनली यू यस पास द इंटरव्यू, आपको सिलेक्शन हो जाएगा. यस सर बेस्ट आई विशेस, थैंक यू सर थैंक यू। बेस्ट विशेस. थैंक यू, बाय.
प्लीज अटेंड द इंटरव्यू, सेंड द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, प्लीज पोस्ट ओके इन अवर ग्रुप। कोई लड़का पोस्ट करता नहीं है, सब इंटरव्यू जाता है, जाने के बाद में उधर से कुछ आवाज ही नहीं देते, ऐसा नहीं होना सर, है। आई विल अपडेट आंसर, सर, आई विल अपडेट, थैंक यू, बाय। यस।